श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गडकरी सहित कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट के लिए सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस सीट पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विलास मुद्दीमवार को 2,84,000 वोटों से हराने वाले गडकरी ने कहा कि वह इस बार भी ज्यादा बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। गडकरी ने बताया कि इस बार मैं ज्यादा बड़े अंतर से जीतूंगा। पिछले 5 वर्ष में नरेंद्र मोदी की अनुगवाई वाली सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर जनता की राय अच्छी रही है। हमारी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे से ज्यादा काम किया है। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त पूर्व भाजपा अध्यक्ष गडकरी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, परिजन और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। गडकरी ने कहा, आपका समर्थन और स्नेह मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। फडणवीस ने कहा कि गडकरी नागपुर के ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र में रिकॉर्ड कायम करेंगे। भाजपा शिवसेना गठबंधन राज्य की 48 सीटों में से 45 सीटों पर जीत हासिल करेगा। रामटेक सीट से मौजूदा सांसद और शिवसेना नेता गोपाल तुम्हाने ने भी रामटेक सीट में अपना नामांकन दाखिल किया है। नागपुर में भाजपा उम्मीदवार गडकरी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने नाना पटोले को उतारा है। रामटेक सीट पर कांग्रेस के पूर्व IAS अधिकारी किशोर गजबीर को अपना उम्मीदवार बनाया है। पटोले और गजबीर ने भी सोमवार को नामांकन दाखिल किया है। पटोले ने दावा किया है कि नागपुर और रामटेक की सीट में कांग्रेस का गढ़ रही है और वह सहजता से गडकरी को हराएंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।